हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टैक केयर्स के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि वीवो T3 लाइट में आप स्प्लिट स्क्रीन मोड का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है स्प्लिट स्क्रीन, और आपको यहाँ पर इस वाली ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ एग्री पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलेंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐप अबव और ऐप बिलो की। तो दोस्तों आपको जिस भी ऐप को ऊपर यूज़ करना है स्प्लिट स्क्रीन में, आपको सिंपली वहाँ पे ऐप अबव पे क्लिक करके ऐप को ऐड कर देना है। जैसे कि ये मैंने कैलकुलेटर को ऐड कर दिया। एंड देन ऐप बिलो पे करके जिस ऐप को नीचे यूज़ करना है आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ ऐप्स जो है वो फेड से दिख रही है, क्योंकि वो ऐप्स स्प्लिट स्क्रीन में स्पॉट नहीं करती। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पर कैलेंडर पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर लिख कर आ गया और नीचे कैलेंडर। एंड देन आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी, आप देख सकते हैं स्टार्टअप के, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आपके फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन मोड ऑन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन मोड ऑन हो चुका है। तो दोस्तों आप सिंपली यहां से इसे ऑफ भी कर सकते हैं, आपको सिंपली यहां से इसे पूरा नीचे ले जाकर छोड़ देना है। तो स्प्लिट स्क्रीन मोड ऑफ हो जाएगा।